हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट इज 9। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले क्या करना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं वो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट करना है, ऐसा हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया गया है। तो पहले हमें यहाँ पे टू डिजिट नंबर है, तो पहले तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे देना कि हमें टू डिजिट नंबर है। सपोज यहाँ पे टू डिजिट नंबर में सपोज 25 लिख देता हूँ, तो ये टू डिजिट नंबर है। तो इसको हम जब प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ते थे तो किस तरह से लिखते थे, तो ये हमारा क्या हो जाता, वन प्लेस हो जाता है, ये हमारा टेंस प्लेस पे था। तो सपोज यहाँ पे हम 5 लिखते थे, ये हमारा मतलब क्या यूनिट प्लेस पे हो जाता था, या वन प्लेस पे कह सकते हैं, और ये हमारा कौन सा 10 प्लेस पे होता। तो जब हम इसका एक्सपांड फॉर्म करते थे तो किस तरह से लिखते थे, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करते थे प्लस 5 करते थे, इस तरह से हमें ये 20 प्लस 5 मतलब 25 होता था। इस तरह से हमें एक्सपांड फॉर्म मतलब लोअर स्टैंडर्ड में हम ये प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ के आए, तो ये एक्सपांड फॉर्म हमारा इस तरह से मिलता था। तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे लेट कर देता हूँ कि ये हमारा जो यूनिट प्लेस है वो हमारा x है, और ये जो 10 प्लेस है वो हमारा कैसा है, y है। तो यहाँ पे 10 है और ये 2 की जगह पे कितना है, y है, प्लस 5 की जगह पे कितना लिया हुआ है मैंने, x। तो इसका मतलब कि जो भी नंबर होगा टू डिजिट नंबर मुझे इस तरह से मिल सकता है, क्योंकि उसका यूनिट प्लेस मैंने कौन सा ले लिया, वन प्लेस x ले लिया है, और जो 10 प्लेस है वो कौन सा ले लिया है, y। तो इसी फॉर्मेट में जो भी टू डिजिट नंबर होगा वो इसी फॉर्मेट में मिलेगा। तो पहले मैं क्या करूंगा कि लेट द डिजिट वंस डिजिट इज x, ओके, देयरफॉर द 10th डिजिट इज y। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या मिलेगा, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा, ओके। अब ध्यान से देखो दूसरा क्या बोला गया है, रिवर्सिंग नंबर। तो इसका रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, तो यूनिट प्लेस पे पहले हमने क्या लिया होता x, अब रिवर्स ये उल्टा हो गया, 5 आगे आ जाएगा, और सॉरी 5 क्या हो जाएगा, ये 10 के प्लेस पे आ जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, 1 के प्लेस पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15, 2 उसका टोटल ये उल्टा, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ये x कहाँ पे आ जाएगा, y की जगह पे, और ये y कहाँ पे चला जाएगा, x की जगह पे। तो ये जो नंबर मिलेगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, रिवर्सिंग नंबर मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिवर्सिंग नंबर, तो हमारा रिवर्सिंग नंबर कौन सा मिलेगा, 10x प्लस y। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल नंबर भी हमारे पास आ गया, रिवर्सिंग नंबर भी आ गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर। तो जो फर्स्ट डिजिट है, जो दो डिजिट है उसका सम कितना है, 9 है। तो x प्लस y दो डिजिट कौन से बन जाए, एक तो x है दूसरा y है, तो उन दोनों का प्लस कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा आ गया, इक्वेशन 1 आ गया। सेकंड इक्वेशन कैसा बनेगा कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये जो नंबर है मतलब कौन सा नंबर, ये ओरिजिनल नंबर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको रख देता हूं, हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर कौन सा मिलेगा, 10y प्लस x, और रिवर्सिंग के बाद कौन सा नंबर मिला हुआ है, 10x प्लस y। अब यहां पे क्या दिया गया कि 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम मतलब दिस नंबर मतलब ये ओरिजिनल नंबर, ओके, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर मतलब कौन सा नंबर, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। तो रिवर्सिंग करने से हमें कौन सा मिला था, ये नंबर मिला था उसका ट्वाइस। तो जब ओरिजिनल नंबर को हम 9 टाइम्स कर रहे हैं तो अब ये जो रिवर्सिंग करके जो नंबर मिल रहा है वो कितनी बार हो रहा है, डबल हो रहा है उसका, ओके। तो इसके ऊपर से हमें क्या मिल जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मतलब 90y प्लस 9x, ये कितना हो जाएगा, 20x प्लस 2y, 20x
इसको उस साइड पे ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 20x माइनस 9x हो जाएगा, ये प्लस था उस साइड पे क्या हो गया माइनस, प्लस 2y ये क्या आ जाएगा उस साइड पे माइनस, मतलब 90y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जीरो। अब 20 में से 9 चला गया मतलब कितना बचेगा 11x, और 2 चला जाएगा मतलब कितना बचेगा माइनस 88y इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये जो नंबर मिला उसमें से हम कितना 11 कॉमन आ सकता है हमारा, तो x 11 कॉमन निकाल देते तो कितना बचेगा 8y इज इक्वल टू जीरो। ये 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई है उस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो जीरो डिवाइड बाई 11 मतलब आंसर क्या रहेगा जीरो। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड मिल गया। तो हमारे पास इक्वेशन वन भी आ गया, इक्वेशन टू भी आ गया। अब हमें ये तो हमारा कौन सा बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया। अभी हमें सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन वन और टू है, उसके ऊपर से हम कर लेंगे। तो इक्वेशन हमारा वन क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 9, और इक्वेशन टू हमारा क्या है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो अब हम आंसर ला देते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है, x या y की वैल्यू हमें क्या बनानी होती है जीरो, या तो मैं x की वैल्यू जीरो बना दूं या तो y की वैल्यू मैं जीरो बना दूं। तो यहां पे इक्वेशन में ध्यान से देखो कि यहां पे दोनों x है, ये x x है, इक्वल भी है, लेकिन दोनों के साइन कैसी है प्लस है। ओके, तो मुझे क्या करनी है, इक्वल साइन आती है तो मैं क्या कर सकता हूं सब्ट्रैक्शन करूंगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन सेकंड, तो ये हमारा इक्वेशन वन था, ये इक्वेशन टू था। तो इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पे भी क्या आ जाएगा माइनस। अब ये वैल्यू तो जीरो हो गए, अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 8y प्लस 1y कितना हो जाएगा 9y, दोनों प्लस है इसलिए साइन भी प्लस ही आएगी। अब ये 9 में से 0 माइनस करना है मतलब वही का वही रहेगा 9, therefore y की वैल्यू कितनी आएगी 9/9, तो ये तो कट हो गया, तो कितना बचेगा y इज इक्वल टू 1। अब ये जो वैल्यू आई है वो कोई भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो 1 क्या है x प्लस y इज इक्वल टू 9 है, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आई है 1, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 है, तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा 8, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 8 मिल गई। तो अब जो हमारा नंबर है फाइंड द नंबर, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर था उसका फॉर्मेशन क्या था 10y प्लस x था, तो नंबर हमें क्या मिलेगा 10, y की वैल्यू कितनी मिली 1, x की वैल्यू कितनी मिली 8, तो 10 बन जाएगा 10 प्लस 8, तो हमारा जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा 18 नंबर, तो नंबर इज 18। ओके, तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।